देखिए आज की ताज़ा खबर। सलमान खान और कटरीना कैफ एक साथ बड़े पर्दे पर दिखने वाले हैं, वो भी अपने ब्लॉकबस्टर हिट एक था टाइगर के सीक्वल में। अब जब से ये बात हमें पता चली, बस तभी से हमें ये भी पता था कि टाइगर जिंदा है, अपने साथ कई तूफान लेकर आएगा। और देखिए, जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। टाइगर ने रिलीज के पहले ही मचा दी है तबाही। फिल्म के शूटिंग के दिनों से ही मेकर्स ने ऑन सेट फोटोज फैंस के लिए शेयर किए थे और फैंस बस तभी से इस फिल्म की आस लगाए बैठे थे। फिर आया फिल्म का फर्स्ट लुक, जिसने आते ही तबाही मचा दी और ट्रेलर के रिस्पॉन्स से तो हम सभी वाकिफ है। फिल्म के पहले गाने स्वैग से स्वागत ने तो यूट्यूब पर रिकॉर्ड भी बना दिया। जी हाँ, 24 आवर्स के अंदर वो सबसे ज्यादा देखे जाने वाला बॉलीवुड सॉन्ग बन गया। बस अब उसके बाद हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं टाइगर जिंदा है के फर्स्ट रोमांटिक नंबर दिल दिया गल्ला की। आई एम श्योर ये भी आते ही लिसनर्स के दिलों में छा जाएगा, क्यों है ना दोस्तों? आपके क्या विचार हैं इस बारे में, हमें बताइए और कमेंट करिए। टाइगर जिंदा है अपनी शूटिंग के दिनों से ही लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। लोग सलमान और कटरीना को टाइगर और जोया के अवतार में एक बार फिर देखने के लिए काफी बेसब्र हैं। और बस इसी वजह से आजकल हर तरफ हर कोने में सिर्फ टाइगर जिंदा है ही छाई हुई है। दोस्तों, क्या आपको पता है हर मॉल टाइगर जिंदा है के नाम पर बुक हो चुका है। अब चाहे वो सिंगल स्क्रीन हो या मल्टीप्लेक्स, हर जगह बजेगा सिर्फ टाइगर जिंदा है का डंका। अब ये तो हमें पता ही है कि ये अली अब्बास जफर डायरेक्टोरियल सोलो रिलीज होगी 22 दिसंबर को। मतलब और कोई बड़ी फिल्म टाइगर को टक्कर नहीं देगी। ऐसे में आप चाहे किसी भी मॉल या सिंगल स्क्रीन थिएटर में चले जाएं, आपको टाइगर और जोया वहां मिल ही जाएंगे। तो दोस्तों, इस बारे में आप अपनी राय और सुझाव हमें जरूर बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई और जूही के साथ बने रहें। पिछले कुछ सालों में हॉलीवुड फिल्में बॉलीवुड फिल्मों को काफी टक्कर दे रही हैं और कहीं ना कहीं उनके बॉक्स ऑफिस बिजनेस को भी अफेक्ट कर रही हैं। और शायद एक बार फिर एक हॉलीवुड फिल्म है तैयार भाईजान को टक्कर देने के लिए। जी हाँ, चलिए हम बताते हैं आपको। वेल, ये तो हम सभी जानते हैं कि सलमान खान की रेस 3 अगले साल ईद पर बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली है। पर अब हॉलीवुड फिल्म जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम भी रिलीज होगी 8 जून 2018 को, यानी सलमान खान की रेस 3 से करीब एक हफ्ते पहले। तो क्या इसका मतलब है कि जुरासिक वर्ल्ड दे सकती है रेस 3 को एक कड़ी टक्कर? क्या जुरासिक वर्ल्ड अफेक्ट करेगी सलमान खान के रेस 3 के बॉक्स ऑफिस बिजनेस को? वेल, आपके क्या राय है इस बारे में, हमें अपने विचार बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। और सब्सक्राइब करना ना भूले बॉलीवुड स्पाई को। वरुण धवन जो कि जुड़वा 2 में प्रेम और राजा के किरदार में एक बार फिर दिखाई दिए थे, और सलमान खान जो कि इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट में हीरो थे, दोनों एक बार फिर हैं साथ दिखने के लिए तैयार। जी हाँ दोस्तों, पर किसी फिल्म में नहीं बल्कि टीवी पर। चलिए हम आपको बताते हैं। वेल, सूत्रों से मिले खबरों के अनुसार बहुत जल्द सलमान और वरुण एक अवार्ड शो के स्पेशल सेगमेंट को होस्ट करते दिखाई देंगे। जी हाँ, वो सेगमेंट का थीम होगा जुड़वा। और क्योंकि इन दोनों ने ही इस थीम पर फिल्में की हुई हैं, ऐसे में मेकर्स ने इन दोनों जुड़वाओं की पॉपुलैरिटी को कैश करना बेहतर समझा। आपको बता दें, सलमान वैसे ही वरुण को बहुत चाहते हैं, इसीलिए तो वरुण की जुड़वा 2 में कैमियो करने के लिए झट से मान गए। तो दोस्तों, अब आप हमें बताएं कि वरुण और सलमान को एक बार फिर स्टेज शेयर करते देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? आप अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई और जूही के साथ बने रहें। बॉलीवुड के खिलाड़ी और सुल्तान काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अचानक इन दोनों की दोस्ती पर ग्रहण लग गया। और अब सूत्रों से मिली खबरों के अनुसार अक्षय कुमार सलमान के साथ अपने सारे गिले शिकवे दूर करना चाहते हैं। अगर आपको ना पता हो तो बता दें, इन सब की शुरुआत तब हुई जब सलमान ने सारागढ़ी के युद्ध पर बेस्ड फिल्म से अपना पत्ता काट लिया। दरअसल सलमान खान और करण जौहर इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले थे, जहां अक्षय कुमार इस फिल्म में मुख्य किरदार में दिखाई देने वाले थे। लेकिन जब सलमान को पता चला कि उनके अच्छे दोस्त अजय देवगन भी इसी टॉपिक पर बेस्ड फिल्म बना रहे हैं, तब उन्होंने इस फिल्म से बैक आउट कर लिया। सिर्फ यही नहीं,
सलमान की एक्स मैनेजर रेशमा शेट्टी को अक्षय ने हायर किया और जो प्रोजेक्ट सलमान को मिलते थे वो अक्षय के नाम हो गए और इस बात से सलमान की नाराजगी भी जायज थी। पर अब हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय सलमान के साथ फिर से अपनी दोस्ती को संवारना चाहते हैं, लेकिन सलमान फिलहाल पीस मेकिंग मूड में नहीं है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। बिग सी एंटरटेनमेंट अवार्ड्स की शाम पर सना और सलमान खान का ऑकवर्ड हग तो आपको याद ही होगा, जिसके बाद सलमान का किसी फीमेल फैन या फिर को-स्टार के साथ हग करते वक्त अनकंफर्टेबल बिहेवियर कई दफा कैमरे में कैद हो चुका है। पर हाल ही में कटरीना को हग करते हुए सलमान की कुछ तस्वीरें हमारे हाथ लगी, जहां सलमान कटरीना को हग करते वक्त काफी कंफर्टेबल नजर आ रहे थे। क्या इसका मतलब यही है कि सलमान सिर्फ कटरीना को हग करते वक्त ही महफूज महसूस करते हैं, या फिर ये इन दोनों की बॉन्डिंग है जिस कारण कटरीना की तरफ सलमान का बर्ताव दूसरों से अलग है? चाहे जो भी हो, पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि कटरीना भी सलमान के साथ इन तस्वीरों में काफी खुश नजर आ रही हैं। बता दें, जल्द ही टाइगर उनकी टाइग्रेस फिल्म एक था टाइगर से 5 सालों के बाद बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस बारे में आप अपनी राय और सुझाव हमें जरूर बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। किसी फिल्म को प्रमोट करने के लिए बिग बॉस से ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता। आफ्टर ऑल, सलमान खान के साथ अपनी फिल्म को प्रमोट करना कौन नहीं चाहेगा, और इसीलिए आए दिन कोई ना कोई सेलिब्रिटी अपने फिल्म को प्रमोट करने सलमान के शो पर आ ही जाते हैं। पर शायद ही किसी फिल्म की कास्ट शूटिंग के दौरान बिग बॉस में अभी तक आए हो। वैसे बता दे, रेस 3 की शूटिंग शुरू हुए कुछ ही समय हुआ है, लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि रेस 3 के मेकर्स जल्द ही बिग बॉस पर दिखाई देंगे। जी हाँ, रेमो डिसूजा, प्रोड्यूसर रमेश तौरानी, जैकलीन फर्नांडिस, बॉबी देओल, डेजी शाह और साकिब सलीम जल्द ही बिग बॉस के घर में मेहमान बनने वाले हैं। खबरें तो ये भी हैं कि रेमो और जैकलीन घर के सदस्यों को एक डांस बेस्ड टास्क देंगे। वैसे सलमान खान के मौजूदगी के साथ इन सब की अचानक विजिट तो किसी प्रमोशन से कम नहीं। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। और भी मसालेदार फिल्मी खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई। मस्तानी और काशी भाई पिंगा पर तो साथ में खूब अच्छे से थिरके थे, पर अब रियल लाइफ में शायद दीपिका पादुकोण ने कर दिया है प्रियंका चोपड़ा को रिप्लेस। जी हाँ, डॉन 3 में जंगली बिल्ली के अवतार में इस बार नहीं दिखेंगी प्रियंका, बल्कि उनके जगह होंगी दीपिका पादुकोण। और ये हुआ है सिर्फ और सिर्फ SRK की वजह से। जी हाँ, SRK नहीं चाहते थे प्रियंका के ऑपोजिट काम करना, और इसी वजह से उन्होंने कर दिया पिगी चॉप्स को दीपिका से रिप्लेस। अब SRK और दीपिका की जोड़ी ने तो पहले ही कई ब्लॉकबस्टर हिट्स दिए हैं, जैसे चेन्नई एक्सप्रेस, ओम शांति ओम और हैप्पी न्यू ईयर। ऐसे में SRK ने खुद फरहान अख्तर और रितेश सिडवानी को एक बार फिर इस सुपरहिट जोड़ी को डॉन 3 में कास्ट करने की बात की है। अब दीपिका प्रियंका को रिप्लेस करती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। पर दोस्तों, आप हमें बताइए, क्या आप दीपिका को जंगली बिल्ली के अवतार में SRK के ऑपोजिट देखना चाहते हैं? हमें अपने थॉट्स नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताइए। ईद का बदला आप क्रिसमस पर लेंगे सलमान? वैसे तो हर साल ईद पर सलमान अपनी फिल्म से 4 चांद लगाते हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा उल्टा पड़ गया जब ट्यूबलाइट को बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला। बता दें, ट्यूबलाइट को बॉक्स ऑफिस पर पिट जाने के बाद हर किसी की नजरें सलमान खान की क्रिसमस रिलीज टाइगर जिंदा है पर टिकी हुई है, और इस फिल्म के लिए दर्शकों का क्रेज इसके ट्रेलर और पहले गाने को मिले रिस्पॉन्स से ही लगाया जा सकता है। तो अगर आप इस बात से अनजान है तो बता दे, टाइगर जिंदा है के ट्रेलर और फर्स्ट ट्रैक ने तो जैसे देश भर में अफरा तफरी ही मचा दी है।
लगता है सलमान खान का देसी स्वैग और क्रिसमस का फेस्टिव मूड टाइगर जिंदा है के लिए फायदेमंद साबित होगा। सिर्फ यही नहीं, अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनी ये फिल्म इस साल की बिगेस्ट रिलीज भी मानी जा रही है। यानी इस क्रिसमस बॉक्स ऑफिस पर टाइगर का दहाड़ और स्वैग के साथ सभी का स्वागत होगा। तो दोस्तों, आपके इस बारे में क्या राय है, हमें अपने सुझाव नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताइए। सलमान खान अपने फैंस को एक के बाद एक धमाकेदार सरप्राइजेस देते ही जा रहे हैं। एक तरफ फैंस टाइगर जिंदा है के रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सलमान की फिल्म रेस 3 भी सुर्खियां बटोरने लगी है। बता दें, रेस की तीसरी इंस्टॉलमेंट की शूटिंग शुरू हो चुकी है और हाल ही में फिल्म से सलमान का फर्स्ट लुक भी लीक हुआ था। चलिए हम आपको बताते हैं इस फिल्म से जुड़ी 5 खास बातें। रेस 3 में सलमान खान ने सैफ अली खान को किया रिप्लेस। जी हाँ, रेस की पहली 2 इंस्टॉलमेंट्स में सैफ अली खान लीड रोल में दिखाई दिए थे, जबकि रेस की तीसरी इंस्टॉलमेंट में सलमान मुख्य किरदार में दिखाई देंगे। फिल्म रेस 3 को खुद सलमान खान प्रोड्यूस कर रहे हैं। जी हाँ, रमेश तौरानी के साथ सलमान भी रेस की तीसरे इंस्टॉलमेंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म रेस 2 में जैकलिन फर्नांडिस और दीपिका पादुकोण दोनों ही लीड रोल में दिखाई दी थी, पर रेस 3 में दीपिका का पत्ता कट गया। हालांकि जैकलिन अभी भी रेस फ्रेंचाइज का हिस्सा हैं और रेस 3 में वो सलमान के ऑपोजिट दिखाई देंगी। इसके अलावा फिल्म में सलमान के करीबी दोस्त बॉबी देओल भी दिखाई देंगे। बता दें, रेस 3 की कास्ट अपने पहले 2 इंस्टॉलमेंट से बिल्कुल अलग होगी। हालांकि सूत्रों की माने तो शायद अनिल कपूर एक बार फिर इस फिल्म में दिखाई दे सकते हैं। रेस की पहली 2 इंस्टॉलमेंट्स की तरह फिल्म की तीसरी इंस्टॉलमेंट में भी एक नया विलन होगा। जी हाँ, इस बार विलन के किरदार में होंगे आदित्य पंचोली। आपको बता दें, रेस 1 के विलन थे अक्षय खन्ना और रेस 2 के विलन थे जॉन अब्राहम। अब देखना ये है कि आदित्य पंचोली इस किरदार को कितनी अच्छी तरह से निभा पाते हैं। रेस 3 को डायरेक्ट करेंगे रेमो डिसूजा, जिसका मतलब है कि दमदार एक्शन सीन्स के साथ हमें पावर पैक डांस परफॉर्मेंसेस भी देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं इस फिल्म की। रेस 3 की शूटिंग जोरों शोरों से चल रही है और ये फिल्म 2018 में बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी। तो दोस्तों, इस बारे में आप अपनी राय और सुझाव हमें जरूर बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें।